तो कैसे हो मेरे सारे भाई। आज मैं बात करूंगा आपकी बॉडी में पंप क्यों नहीं आता। तो कई भाई मेरे पास आके बोलते हैं कि भाई मेरी बॉडी में पंप क्यों नहीं आ रहा, मुझे कुछ बताओ। तो आज मैं कुछ पॉइंट आपके सामने कवर करूंगा। तो नंबर वन जो पॉइंट हमारा आता है वो है आपकी डाइट का सही ना होना। आप डाइट वगैरह सही नहीं लेते, उस वजह से आपको पंप नहीं मिलता। आप अच्छी डाइट लें, आपको उससे पंप मिलेगा। दूसरा पॉइंट कवर करूंगा, प्री वर्कआउट मील ना लेना। आप जो है प्री वर्कआउट मील नहीं लेते, कुछ भी खा लेते हैं, तो जिससे आपको पंप नहीं मिलता। तो आप अपनी डाइट के अंदर प्री वर्कआउट मील जरूर ऐड करें। नंबर थ्री पॉइंट जो मैं कवर करूंगा वो है बॉडी को हाइड्रेट ना रखना। तो आप लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। जितनी आप बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना आपको पंप मिलेगा। तो नंबर फोर पॉइंट जो मैं कवर करूंगा वो है रैप्स का। आप लोग क्या करते हैं, 10-8 रैप लगाते हैं, जिससे आपकी मसल पे लोड नहीं जाता। तो ये एक पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि भाई 12-10-8 रैप लगाने हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, जिससे आपको इतने रैप लगाए जिससे आपकी मसल पे लोड पड़े। आप 20-15 जिससे आपको लगे कि हाँ भाई मुझे फील हो रहा है, आपने उतने रैप लगाने हैं, उससे आपको जरूर पंप मिलेगा। और उसके बाद मैं जो पॉइंट कवर करूंगा, आप हर एक्सरसाइज का ड्रॉप सेट जरूर लगाएं। आप क्या करते हैं, ड्रॉप सेट नहीं लगाते, आप सीधा 12-10-8 रैप लगाए और खत्म। ऐसा नहीं करना, आपको एक्सरसाइज का लास्ट सेट जो है वो ड्रॉप सेट लगाना है। हैवी वेट से लो वेट में आना, उसे ड्रॉप सेट कहते हैं। तो आपको ये जरूर करना है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी पंप में। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये सब कर चुके हैं और आपको पंप नहीं मिल पा रहा, तो आपने क्या करना है, एलआरजिनिन का सप्लीमेंट ऐड कर लेना है। डेक्स्टर जैक्सन की ले लें या गेट की ले लें, सप्लीमेंट ले लें, 3 ग्राम ऐड करें, उससे आपको जरूर पंप मिलेगा। तो ये थी भाई मेरी आज की वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।